जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस पर आधारित है। 20 मिनट के अंदर 100 प्रश्नों में पूरे संविधान का ए टू जेड निचोड़ आपके दिमाग में फीड कर देंगे। तो यहां जीरो से लेवल शिखर तक के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए और परीक्षा में बिल्कुल निश्चिंत जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी संस्तुति पर बना? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बना था दोस्तों भारतीय संविधान, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए सेकेंड क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? दोस्तों, यहां दो प्रश्न बनते हैं, भारत का संविधान कब तैयार हुआ और भारत का संविधान कब लागू हुआ। जब आपसे पूछे तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन लागू होने की बात अगर करी जाए तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। आइए थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दो प्रश्न बनेंगे, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में अगर आप पहली बार हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? तो दोस्तों, जब हम मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से मार दो, जब आप मौलिक कर्तव्य की बात करो तो आप रसिया से मार दीजिएगा, यानी रूस के संविधान से, या यूएसएसआर या सोवियत संघ, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो आप मार दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनने के लिए दोस्तों 2 वर्ष भैया कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों 7 नंबर और 8 नंबर बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है, दो प्रश्न को ध्यान से करना, 7 नंबर और 8 नंबर परीक्षा में जब कुल अनुसूचियों की संख्या पूछी जाए तो आपको मारना है 12, यानी आंसर सी। जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी जब आपसे संविधान जिस समय बना था उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 8 थी दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा, और वर्तमान में 12 है। 9 नंबर, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन हर बच्चा गलत करता है। अब 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, तो आप राष्ट्रपति मारिएगा या प्रधानमंत्री मारिएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जब संवैधानिक प्रधान पूछा जाए राज्य में तो वो राज्यपाल हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा। ये वही राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की क्या है, शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? जब संसदीय प्रणाली की बात करी जाए दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, यानी ब्रिटिश संविधान। जब संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो हम ब्रिटेन से लेते हैं, और जब हम रूस की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य की बात होती है, और जब हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो कनाडा से लेते हैं। फिलहाल आंसर जाएगा सी के साथ। संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? प्रश्न 11 नंबर बहुत ट्रेंडिंग लेवल का है। जब आप धन विधेयक की बात कर रहे होते हैं तो आपको अनुच्छेद 110 तुरंत याद आ जाना चाहिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हैं? देखिए, नीति निदेशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, जो राज्य के लिए हैं दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान में अगर आयरलैंड की बात कर रहे होते हैं तो आयरलैंड से दोस्तों हमने क्या लिया है, हमने नीति निदेशक तत्व लिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन या राष्ट्रपति का पद, या फिर हम कनाडा की बात करें तो दोस्तों कनाडा से संघात्मक व्यवस्था।
संविधान का आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब आर्टिकल 123 की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश का नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई सालों से ट्रेंड हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए, जब आर्टिकल पूछा जाए तो आप 368 मारिए। जब ये पूछा जाए संविधान संशोधन किस देश से लिया है तो दक्षिण अफ्रीका मारिएगा। जब ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में है तो भाग 20 मारिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान जो है, संशोधन जो है, वो मिनी संविधान कहलाता है, और इसमें जो जोड़े गए शब्द हैं वो कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया शब्द है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है, वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार, और भारत में जो मूल अधिकार हैं उन्हीं के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है दोस्तों। 16 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, वो समानता के अधिकार में 14 से 18 के अंतर्गत जाएगा, यानी आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जब अस्पृश्यता पूछा जाए तो आपको याद भी करा देता हूं, अस्पृश्यता यानी सा है, और सा से आपको सात याद रखना है, यानी आर्टिकल 17, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपको बताएं कि अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, और स्थाई अध्यक्ष 2 दिन बाद ही जो है राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। लेकिन जब प्रथम अधिवेशन की बात, यानी प्रथम दिन के अधिवेशन की बात, तो वहां पर अस्थाई अध्यक्ष काम कर रहे हो रहे होते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्यारे, संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना प्रीएम्बल कहलाता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, यही तो है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अगर बात ही हुई है तो जान लीजिएगा, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है या प्रीएम्बल कहा जाता है इंग्लिश में। अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों, अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, यानी आंसर ए जाएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? संविधान का दिल और आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 कहलाता है। यह अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? दोस्तों, अगर हम बात करें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को कब जोड़ा गया, तो हम ये कहेंगे दोस्तों, क्या हम कहेंगे यहां पर 42वां संविधान संशोधन जो मिनी संविधान है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो हम अगर कहें कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में जो संविधान सभा का विचार था वो किसने किया था? एमएन रॉय ने दोस्तों। एमएन रॉय इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो एमएन रॉय लॉक हो जाएगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में दोस्तों इसको बना दिया गया था, और 2 जून 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो गया था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं वो जो है थर्ड भाग में आते हैं। अगर आप मौलिक अधिकार को देखते हैं तो आप किस ऑप्शंस के साथ जाएंगे? तो हम कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल संविधान का हिस्सा था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी इसको कौन हटा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अब हटाने की अगर बात करें तो आप देखिएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन इसका संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से कौन सा संविधान जो है, आर्टिकल जो है संबंधित है? तो हमने कहा दोस्तों, जब हम अस्पृश्यता
नैतिकता की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं, तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 29 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से आता है? तो जब स्वतंत्रता की बात होती है तो 19 से 22 के अंतर्गत आता है, यानी आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समानता 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब 300 का में रख दिया गया है, आर्टिकल 300 का में रखा गया है, और संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कानूनी अधिकार का मतलब होता है विधिक अधिकार, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? दो प्रश्न बनेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से संविधान कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से प्रेरित है, और दूसरा कौन से आर्टिकल में है, 36 से 51 में है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, चलिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको उद्देश्य की बात, क्या राजनीतिक लोकतंत्र की बात या सामाजिक लोकतंत्र की बात करेंगे दोस्तों, या फिर हम क्या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे, या फिर गांधीवाद, तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। यदि राज्य चाहेगा तो लोगों को देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दोस्तों प्रोवाइड कराएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो आपको बता दें, सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने, और इन्हीं ने पहले दिन की कार्यवाही को संचालित किया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करता हूं दोस्तों, तो ये आपका बीआर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, देशमुख या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान जिस दिन तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसी दिन तैयार होने के फलस्वरूप हम कानूनी दिवस या संविधान दिवस या कानून दिवस या कुछ भी आप कह लो, तो दोस्तों हम ये कहते हैं 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संसद में क्या शामिल है? भारतीय पार्लियामेंट 3 लोगों से बनी है। तो पार्लियामेंट का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये क्या है, ये दोस्तों आपके 3 अंग होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद में अगर देखा जाए तो अगर कोई उपस्थिति की बात करी जाए, यानी जो अंतराल होता है, एक बार अगर कोई कार्यवाही हो गई तो फिर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कब तक चल सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र होना चाहिए, यानी 1 साल में 2 सत्र तो अनिवार्य है। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किसके प्रति? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप संघ की बात करते हो तो आपको यहां पर आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाना है, आंसर बी हो जाएगा। राज्य में क्या मारेंगे, हमने कहा था आपको, कमेंट करके बताइए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करते हैं, तीनों सर्वोच्च सेनापति की बात अगर हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उसे 35 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर लेनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है, बताइए? यहाँ पर अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कोई भी अगर विवाद है तो वो जाएगा न्यायालय में, और वो उच्चतम न्यायालय में जाएगा। कोई भी विवाद हो, चाहे महाभियोग संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत हमने अच्छा रखा है। भाग 1 की बात करें, संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में भाई नीति निर्देशक तत्व कैसे हो सकते हैं? भाग 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कि नीति निर्देशक तत्व। तो यहां पर भाग 3 में मूल अधिकार हैं, और यहां पर दे रहा है नीति निर्देशक तत्व, यही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो विचार है दोस्तों, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आंसर इज सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिएगा, जब भी आप 7वीं अनुसूची की बात करते हो तो आप देखिएगा, जो भी राज्य और केंद्र के मध्य जो विवाद
विवादों का शक्तियों का बंटवारा होता है, उनमें विवाद होते हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करती है ये अनुसूची। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है कि भाई कितने विषय तुम्हारे अंतर्गत आएंगे और कितने विषय हमारे अंतर्गत आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। देखिए, जो 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, लेकिन यह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता। लेकिन इसके सदस्य बिना रहते हुए भी यह कार्य कर सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। आंसर इज बी हो जाएगा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सभी देखा जा रहा है। तो आंग्ल भारतीयों की बात करें तो वहां पर आपको 2 मार देना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया दोस्तों। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब यहां क्वेश्चन में राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो 2 करता है, तो यहां क्वेश्चन को ऊपर कर दिया भैया, ऑप्शन को नीचे कर दिया, है ना, सिंपल सी बात है। राज्यसभा के चुनाव हेतु जो है निम्नलिखित में कम नहीं होनी चाहिए, यानी कौन सी एक आयु है जो राज्यसभा के सदस्य के लिए भाई एक उम्र होनी चाहिए, बताइए कौन सी? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति तो 35, अगर हम राज्यसभा तो 30, है ना, आंसर सी हो जाएगा। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। आंसर हमारा डी होगा। 51 नंबर कहता है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या, यानी अगर कार्यवाही संचालित करनी है तो कितने लोग होने चाहिए? तो दोस्तों, 1/10 की बात अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही है। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है क्या है? धर्मनिरपेक्ष जो है हमेशा यूज हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन। भारत में सारे धर्म, देखिए हर धर्म, जाति, भाषा और जितने भी लोग हैं, भाषाई आधार पर लोग हैं, वो बहुत प्रेम से रहते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग किसी भी विशेष धर्म की बात नहीं करते, हमारे लिए सारे धर्म सेम हैं। आंसर हमारा डी जाएगा। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? दोस्तों, इसी तरीके की इतिहास की 100 क्वेश्चन की वीडियो, इसी तरीके से भूगोल की, इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की, अर्थशास्त्र की, हम पूरी तरीके से क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो दोस्तों, जब ब्रिटेन के संविधान की बात हम कर लेते हैं तो मूल अधिकार नहीं लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिकी संविधान से। निम्नलिखित में वह जो है मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, यानी वह मूल आधारिका है, ये प्रश्न थोड़ा सा जो है पूछा गया है। तो हम ये कहें दोस्तों, 54 का जो नंबर है आंसर है, तो हम ये कहें क्वेश्चन में ये है, देखो समझो कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आधार है जिससे हमारा भारतीय संविधान विकसित हुआ है, यानी मूल आधारिका, यानी ऐसे आधार को बताना है कि जिससे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे संविधान को डेवलप करने में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो जब संशोधन की बात करेंगे दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि संसद को ही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, और 1976 में जो है इसको हमें स्थापित करने का मौका मिला और हमने कर डाला। 57, निम्नलिखित में मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हम नहीं स्थगित कर सकते? दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 20 है और 21 है, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। चलिए, यह बहुत बार पूछा गया है, 57 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। देखिएगा, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे, क्या है, जब भी आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे तो क्या मारेंगे?
तो इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी 1946 या 1949 नहीं पड़ेगा, 1947 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 59, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद तक रह सकता है। देखिए राष्ट्रपति की अगर मर्जी है तो भाई कौन रह सकता है, तो वो राज्यपाल ही रहेगा। राज्यपाल को वो चाहे एक दिन में हटा दे या 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए वो नियुक्त कर दे, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन किस मिशन के योजना के उसके दौरान किया गया, तो आपको बता दें कि संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा हुआ। पहला, संविधान का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 61 कहता है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल कितने मत नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। हम लोगों के यहाँ गांव या फिर कस्बे में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं तो बताते हैं कि भाई अगर इतने वोट नहीं मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी आपकी, है ना। तो 61 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/6, कम मत अगर प्राप्त हो रहे हैं तो जमानत जब्त हो जाएगी। 62 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल है तो वो केवल निम्न सदन लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 50 हो सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं 552 हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव कभी भी 1950, देखिए यहां पर ऑप्शंस में नहीं है लेकिन 1950 ऑप्शंस में आता है, है ना। 66 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, लद्दाख के साथ जाएगा, आंसर इज बी होगा। अगला प्रश्न है 67, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है प्यारे, ठीक है ना। भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहा जाता है, निम्न हाउस को कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा, और अपर हाउस को कहा जाता है निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा, और अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा। फिर से सुनिएगा, राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहा जाता है, अपर सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और लोकसभा का एक अन्य नाम है लोगों का सदन, ठीक है ना। विधानसभा निम्न सदन होता है राज्य का, और संसद का राज्यसभा जो है इसको अपर कहा जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि स्थायी सदन कहते हैं दोस्तों इसलिए क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 ईयर होता है, जबकि लोकसभा में 5 ईयर होता है, आंसर ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 71, देखिए ये एंटी डिफेक्शन से प्रश्न है, क्या है, दल बदल कानून से संबंधित यह प्रश्न है, और प्रश्न यह कहता है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। एंटी डिफेक्शन इसे कहा जाता है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, तो एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज, कई बार ट्रेंड हुआ है भैया पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज जो है किससे संबंधित है, यानी 73वें संविधान संशोधन से जो है यह यहां पर उल्लेखित किया गया है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, देखिए अध्यक्ष एक अलग है, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन है, अस्थाई अध्यक्ष तो दोस्तों है सच्चिदानंद, और स्थाई अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में तो हमने कहा दोस्तों अगर उपाध्यक्ष की बात हो तो HC मुखर्जी, बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान तो लोगों ने बहुत पढ़ा लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे, अगर आप पंचायत की बात कर रहे हो, पंचायती नहीं दोस्तों राष्ट्रपति की बात कर लो, राष्ट्रपति का पद कितने दिन तक खाली रह सकता है, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं, तो 6 महीने के अंतर्गत भैया चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों भाग 20 में है क्या, 368 में है क्या, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सर बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन डी जाएगा। अगला, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में जब संशोधन की बात होती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को यहां पर मौका मिलता है, किसी भी सदन में जो है आप जो है इस प्रकार की कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार BN राव को माना गया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत सरकार के, आप देखिए 79
80 और 81 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 79, 80, 81 जो है ये कठिन क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या, अगर मैं बात कर लेता हूँ भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो राजकोषीय घाटा, ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं, मतलब कुल कितना खर्चा हुआ है, कुल कितना प्राप्त हुआ है, तो उसके बीच के अंतर को कहा जाता है बजटीय घाटा कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है, तो जब अगले वर्ष की बात करें तो उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है, निष्पादन बजट कहा जाता है। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आंसर ए। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के जो है अनुसार ही जो है होता है। और राज्यपाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप जानिएगा, देखिए 83 की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ भाई, देखिए राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। आंसर इज ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ। तो भैया राष्ट्रपति ही कर सकता है, कोई इशू नहीं है। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, महाभियोग के लिए। भाई देखो, राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल को अपने अनुसार रख सकता है, तो भाई महाभियोग राष्ट्रपति के लिए है ना कि राज्यपाल के लिए है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के वही पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति ही करेगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे, शिक्षा दिलाए, बेहतरीन शिक्षा दिलाए। निम्नलिखित में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, अब क्वेश्चंस को देखिए फिर से पूछा गया है, तो अब क्वेश्चंस के ऑप्शन को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब मैं यही बात हर बच्चे से कहता हूं कि अगर देखिए, अगर राष्ट्रपति है तो इसको प्रेसिडेंट हिंदी में भी लिख सकता है, अगर राज्यपाल है तो उसको इंग्लिश में गवर्नर भी लिख सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। अगला प्रश्न है 89, लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों 22 होते हैं। क्या होते हैं, 22 होते हैं। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने वाले हर बहन हर भाई के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम और आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं उम्मीद करूंगा ये जो नई सीरीज हमने सुपर फास्ट सीरीज चलाई है क्विक रिवीजन, क्योंकि परीक्षा के पहले बच्चों के ऊपर बहुत वर्डन होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में समय, अब समय के लिए क्या है, अब इसमें देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको इतना डिटेल में बता दो तो 100 क्वेश्चन होंगे 500 वीडियो में, है ना, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन करा पाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है क्विक रिवीजन करा दो। 90 क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, कहता है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति है दोस्तों, एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है। लास्ट के 10 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव की अगर हम बात कर लें 92 की बात अगर करी जाए तो दोस्तों यहां पर विधानसभा सदस्य करते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ा जो है प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है 94 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वो आर्टिकल हो जाएगा 280 हो जाएगा, 280 भारतीय संविधान। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात कर लेता हूँ कौन करता है नियुक्ति, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग का प्रमुख जो भी है यानी उसके सह अध्यक्ष, तो वो सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति ही करता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब दिया, तो देखिए मैंने ऊपर बताया था ना कि संविधान कब तैयार हुआ, वो अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही बदल दिया, लेकिन इसका आंसर नहीं बदलेगा, वही दोस्तों आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 रहेगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, विधान परिषद के सदस्य दोस्तों रहते हैं 6 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष, विधान परिषद 6 वर्ष और राज्यसभा 6 वर्ष, है ना, ये याद रखिएगा। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो दोस्तों देखिएगा अगर हम पूछें कि राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो क्या उस राज्य की विधानसभा द्वारा,
संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। हाँ सर, राज्यपाल से जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसलिए विधान परिषद राज्यों में है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कठिन है, 1/3 है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ये रहा विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये प्रश्न जो है आपको यहाँ पर 1/6 लगा देना है। तो थोड़े से कठिन क्वेश्चन, थोड़े से सरल क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करा दिया है। मुझे लगता है कि आप गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में हैं, तो सारे 100-100 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के 100-100 क्वेश्चन कराने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर तैयार हैं। तो एक बार सारे परिवार अपने 4-4, 5-5 मित्रों को, जो भी बहन हमें देख रही, जो भी भाई हमारा देख रहा है, जो भी गृहिणी देख रही, अपने 5-5 मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे उन तक कुछ अच्छा पहुँच जाए। बहुत चीज़ें आप लोग शेयर करते हो, लेकिन कुछ अच्छा भी शेयर कर दें, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए वो वीडियो थी जो परीक्षा के लिए 4 चांद लगाने वाली थी। जय हिंद, लव यू गाइज़।